फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सॉक्स बनाना बताएंगे। इसमें हमने 10 नंबर की सिलाइयों को यूज़ किया है और वाइट और ब्लू कलर में आपको बताएंगे। ये देखिए, पहले हम इसमें 12 स्टिचेस डालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और पहली लाइन को हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12। ये देखिए, हमारे 12 स्टिचेज हो गई। अब हमें क्या करना है कि पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे और फिर पूरा ऐसे ही बिनेंगे। 1, 2, इसको हम पूरी लाइन सीधी सीधी बिनेंगे। एक फंदा जब ये बचेगा, यहाँ पर हम एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। एक फंदा ऐसे हमने बढ़ा लिया और ये ऐसे ही बिनेंगे। और उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं बिन करना है, बस ऐसे उल्टी पूरी बिननी। एक पहला फंदा उतार लिया और पूरी सिलाई ऐसे ही हमें कंप्लीट करनी है। अब हमें फिर यही करना है, पहला फंदा उतारना है और हर सीधी सिलाई में हमें ऐसे ही एक फंदा बढ़ा लेना है और ये कर लेना इस और ये पूरी सिलाई में पूरी सीधी सीधी ही बनानी है। इस तरह से जब हमारे 28 फंदे हो जाएंगे तब हम बढ़ाना बंद कर देंगे। इस तरह से हम आपको 28 फंदे बढ़ा करके फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, हमारे 28 फंदे हो गए हैं। अब हम ये वाला पार्ट शुरू करेंगे वाइट लगा करके। तो एक फंदा सब वाइट से बनाएंगे और दो ब्लू से बनाएंगे। 1, 2, इसी तरह से हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। एक वाइट और दो ब्लू, एक वाइट दो ब्लू, फिर एक वाइट दो ब्लू, एक वाइट दो ब्लू। इसी तरह से करते हुए ये 28 फंदे हम बना लेंगे इस तरह से। हाँ, ये देखिए, हमारे 28 फंदे हो गए हैं। इस तरह से हमने बना लिया है। अब उल्टी सिलाई में हमें दो वाइट करने हैं और एक ब्लू करना है। ये देखिए, पहले फंदे को हम उतार लेंगे और दूसरे को बुनेंगे। तो ये दो हमारे वाइट हो गए और एक ब्लू हो गया है। इस तरह से अब हमें ये इस तरह से बनाना है कि दो वाइट करने हैं और एक ब्लू बनाना है। इसका ब्लू का सॉक्स का ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं। दो वाइट हो गए, एक ब्लू हो गया, दो वाइट हो गए, एक ब्लू। इतना हमें बना लेने के बाद फिर हमें दो सिलाइयाँ वाइट पूरी बनानी है, सादी सादी। इसमें ब्लू कलर नहीं यूज़ करना है। पहले इस फंदा हमने उतारा, फिर ये ऐसे पूरा वाइट बना लेना है ऐसे।
एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। ये राइट साइड हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए पूरा हो गया। अब उल्टी सिलाई भी हमें पूरी उल्टी बनानी है। पहला फंदे को हमें उतार लेना है और ये सिलाई भी उल्टी बनानी है। इसमें ब्लू कलर नहीं लगाना है, पूरा वाइट वाइट ही बनाना है। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये डिज़ाइन बनाना। पहले फंदे को हमने उतार लिया है और दूसरे को बना लिया है। दो फंदे बनाने के बाद हम ऊन को आगे करेंगे और ऐसे लपेट लेंगे और ऐसे एक फंदा बुनेंगे और ये इस ऊन को ऐसे खींच लेंगे और फिर इसको पीछे कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर उनको आगे लाएंगे और उसी तरह से ऐसे लपेट के आगे ले आएंगे। फिर एक बुनेंगे और इस उनको ऐसे खींच के पीछे कर देंगे। फिर अब हम चार फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार। इसके बाद हम फिर ब्लू कलर की उनको ऐसे आगे लाएंगे और ऐसे लपेट करके और वाइट को ही बुनेंगे। वन ऐसे बुन लिया और इस धागे को ऐसे खींच कर पीछे कर दिया। फिर एक फंदा बुना, फिर ब्लू को उनको आगे लाए और ऐसे लपेट करके ऐसे ले आए और इस वाइट से बुन लिया, उसको ऐसे खींच दिया। देखिए दो बन गए। अब हमें चार फंदे फिर बुनने हैं। वन टू थ्री फोर ऐसे बना लिया, फिर हम ब्लू कलर की उनको आगे लाए और ऐसे करके बुना। वन और ऐसे खींच करके इसको पीछे कर देते हैं सेम उसी तरह से। फिर एक फंदा बुना, फिर इसको आगे लाए और ऐसे कर दिया। ये दो बन गए। अब हमें फिर से पीछे कर दिया और चार फंदे फिर वाइट से बनाने हैं। दो तीन चार और फिर इसके बाद हम ब्लू वाली ऊन को आगे लाएंगे और फिर इस तरह से बुनेंगे एक और इसको खींच करके पीछे कर देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे और फिर उनको आगे लाएंगे और ऐसे लपेट करके पीछे कर देंगे। ये दो, ये देखिए दो बन गए। इसको उनको पीछे कर देंगे और दो फंदे ऐसे बुन देंगे। देखिए दो वाइट हमारे स्टार्टिंग की थी और दो वाइट पीछे। अब उल्टी सिलाई में हमें पूरी वाइट भी बनानी है। पहला फंदा उतारेंगे और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। इस उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे बुनते रहेंगे। लेकिन ये ब्लू उनको हम ऐसे फंसाते हुए लाएंगे ताकि उधर से राइट साइड में मैं ब्लू को फिर से नहीं जोड़ना पड़े। ये उनको ऐसे फंसाते हुए ले आएंगे और मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हम उनको फंसाते हुए यहाँ तक की ले आएंगे। देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड पे आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहले फंदे को, अभी तक हमने दो फंदे बुने थे, अब हमें एक फंदा ही बनाना है और उसके बाद फिर हमें ब्लू फंदे को ऐसे लपेटना है और इसको बनाना है इस तरह से और इस धागे को खींच लेना है ऐसे। गड़बड़ हो गया है, देखिए हम ऐसे
इसको फिर से करते हैं, इस ब्लू ऊन को आगे ला करके और ऐसे लपेट कर आगे ही रखना है और इसको ऐसे बना देना है और इसको धीरे से ऐसे खींच करके पीछे कर देना। और देखिए यहाँ पे हमें फ्लावर के बाद ये येलो येलो डॉट दिख रहे हैं बीच में, तो इसके लिए हमें दूसरी येलो ऊन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम पहले एक फंदा वाइट बुन लेंगे, इसके बाद जैसे हमने ब्लू से किया है वैसे ही हमें येलो से करना है। देखिए येलो येलो को इसमें ऐड करेंगे, हाँ जैसे हमने ब्लू से किया था वैसे ही हमें येलो वाली ऊन को आगे ला करके ऐसे कर लेना है, आगे करना है और फिर हमें ऐसे एक फंदा बुन लेना है और येलो ऊन को ऐसे करके पीछे कर देना है। जैसे मैं ब्लू को फिर एक फंदा बनाना है और फिर अब ब्लू कलर की ऊन से ऐसे करेंगे। ये देखिए अब हमें दो फंदे बीच में, पहले हमने चार बनाए थे, अब की हमें दो बनाने, दो बना लिया। उसके बाद हमें फिर ब्लू का यूज़ करना है, ऐसे करके ये लपेट लेना है और बुन देना है, उनको खींच लेना है और पीछे कर देना है। फिर एक फंदा वाइट बना के अब येलो को ला के येलो उनको अब येलो से ऐसे करके लपेट लेना है। ये देखिए फिर हमें एक बनाना है, एक के बाद हमें ब्लू का ही ब्लू फंदे को ऐसे ही लपेटना है, ब्लू वाली उनको और ऐसे खींच लेना है, इसको पीछे कर देना है। फिर अब दो फंदे बनाएंगे, एक और दो, फिर ब्लू को ऐसे करना है, येलो को बीच में रखना है, बस ऐसे लगा के पीछे कर दिया। फिर एक फंदा वाइट से बनाया, फिर हमें येलो को करना है, एक येलो से बना दिया ऐसे और इसको उनको पीछे कर दिया, फिर एक वाइट, फिर ब्लू, ये ब्लू ऐसे बना दिया। फिर हमें दो वाइट बनाने हैं और एक ब्लू, और बिना वाइट ही है और ब्लू को ऐसे लपेट करके पीछे कर देना है। फिर एक वाइट बनाना है और एक येलो, ऐसे लपेट करके पीछे कर देना है। फिर एक वाइट बनाना है और एक ब्लू, अब ब्लू से करना है, ऊन आगे ही रखनी है और ऐसे करके यूँ पीछे कर देना है। और पहले भी हमने स्टार्टिंग भी एक फंदा वाइट बनाया था और ये भी हमें वाइट बनाना है। अब उल्टी सिलाई फिर हमें पहले की तरह पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, उसमें कुछ नहीं करना है, पहले फंदे को उतारा है और फिर पूरा बुन लिया है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। और ये ब्लू कलर, अब येलो का कोई यूज़ नहीं होगा इसलिए ब्लू वाले फंदे को हम, ये ब्लू वाली ऊन को हम लपेटते चले जाएंगे फिर पहले की तरह, ये येलो वाली ऊन का कोई काम नहीं है, अब बस येलो, ये ब्राउन ब्लू वाली ऊन को करते चले जाएंगे, फंसाते हुए चले जाएंगे। और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है हमें, ब्लू वाली ऊन को फंसाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं, अब हमें फिर ऐसे ही बनाना है जैसे दो नीचे ब्लू से बनाए थे वैसे करना है। हमने पहले दो सफ़ेद बनिए थे, फिर बीच में एक वाइट बिना, अब हमें फिर से दो वाइट बनाने हैं, पहले फंदे को उतारना है और दो वाइट बनाना है। इसके बाद हमें ब्लू वाली ऊन से फिर इसी तरह सेम उसी तरह लपेट करके डिज़ाइन बनाना है, ये फ्लावर बन जाएगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको पीछे कर देंगे, फिर एक बनाएंगे और
फिर ब्लू ऊन को आगे ला करके और फिर वाइट से बुनेंगे और इसको पीछे कर देंगे। फिर चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार। इसके बाद फिर हम ब्लू वाली ऊन से बनाएंगे, एक और इसको फिर पीछे कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर ऊन आगे ला करके और ऐसे वाइट से बनाएंगे और इसको खींच के पीछे कर देंगे ऐसे। फिर चार बुनेंगे, एक दो तीन चार। इसके बाद फिर हम ब्लू ऊन को आगे ला करके आगे लाएंगे और फिर बुनेंगे और इसको खींच के पीछे कर देंगे। इसी तरह ये सिलाई हमको कंप्लीट करनी है। और इसको पीछे कर दिया, फिर एक दो तीन चार। इसके बाद हमें फिर वाइट ब्लू लानी है, आगे करनी है, वन, इसके बाद फिर बीच में वन और एक फिर ब्लू उनको आगे ला करके और उसको पीछे कर देना है और फिर दो फंदे हमें सीधे बुनने हैं, एक एक दो। बस ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें उल्टी सिलाई बनानी है, एक फंदा उतारना, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है, दो तीन चार। ये उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए हमारा एक फ्लावर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से देखिए हमको यहाँ से तीन फ्लावर बनाने हैं, एक दो तीन। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बीच में चार सिलाइयाँ वाइट की बनानी है, इसके बाद फिर दूसरा फ्लावर स्टार्ट करना है। तो इस तरह से तीन फ्लावर जब बन जाएंगे फिर हम आपको बना करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे थ्री फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं और हमें बनाने हैं सेवन फ्लावर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो यहाँ तक थ्री कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद से फिर हम ये वाला बनाते हैं। फिर उसी तरह से दो फंदे वाइट से बनाए हैं और फिर ये लपेट के फ्लावर बनाएंगे, जैसे देखिए वन और इसको ऐसे लपेट करके इसे पीछे कर देना है, फिर वन बनाना है और फिर ऐसे करके ये एक फंदा बना देना है। हाँ, तो इसे पीछे कर देना है। देखिए थ्री टू फाइव हो गए, फाइव वन सिक्स सिक्स सेवन, सेवन हो गए। और फाइव फंदे, ये हमारी जो उल्टी उल्टी धारियाँ हैं ये इसके लिए फाइव फंदे हो जाएंगे। तो वन टू थ्री फोर फाइव, ये देखिए सेवन फाइव ट्वेल्व हो गए होंगे, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, दोबारा देखिए ट्वेल्व फंदे हो गए। अब हमें बीच के पांच फंदे घटा देने होंगे, तो पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा भी लेंगे और ये इसके ऊपर कर देंगे, एक दो ये तीन चार और एक पांच। देखिए ये हमारे पांच फंदे माइनस हो गए। अब हमारे पास इधर भी बारह होंगे, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस एक ग्यारह, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस, ये एक यहाँ पे माइनस कर दें, हाँ इलेवन और ट्वेल्व। और ये हमें ऐसे बनाना है, थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन के बाद इसके ऊपर से हमें फिर बनाना है। तो अब हम दो फंदे अलग अलग कर लेंगे, इधर वाली ऊन इधर से रख देंगे और यहाँ पर दूसरी कलर की ऊन से
ये हम कर देंगे। देखिए ये ऊन है, इधर से इधर हम फिर ऐसे ही बना देंगे जैसे कि हमने पीछे उधर बनाया है। फ्लावर इधर भी बनाएंगे ऐसे, वन फिर वन बुनेंगे और फिर ये ऐसे बनाएंगे वन। ये देखिए, और दो फंदे सादे बना देंगे ऐसे। हमने यहाँ पर बीच में बना दिया, ये धारियाँ उल्टी उल्टी चलेंगी पांच फंदों की और बाकी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी। देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये पांच फंदे हैं इनको सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री फोर, और ये पहला ऐसे उल्टा उतार लेंगे। फिर यहाँ से हमें वाइट से बनाना है, तो अब हम ये वाली ऊन इधर नहीं ले जाएंगे, इसके लिए हम दूसरी ऊन ऐड कर लेंगे। ये देखिए वाइट है, तो पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी पांच फंदे सीधे बनेंगे, दो तीन चार पाँच, और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, फिर अब हमें फिर इसी तरह से बीच में येलो बनाना है। पहले हम एक फंदा बनाएंगे, इसी तरह से फ्लावर बनाना है जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बनाया था। फिर ऐसे लपेट करके फिर एक बनाएंगे, वन, और इसको धागे को पीछा कर पीछे कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और यहाँ पर येलो लगाएंगे, ठीक है, ये येलो बनाएंगे। इसके बाद फिर एक फंदा बुनेंगे और फिर इसके बाद हम येलो ये ब्लू से बनाएंगे, और ये उनको हम पीछे कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पास थ्री टू फाइव, अब हमें ये सिलाई तो पूरी सीधी सीधी बनानी है और उल्टी सिलाई में भी सीधी सीधी बनानी है। ये पांच फंदे हमें ऐसे ही बनाने हैं, और ये जो पहला फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, और इस तरफ ऊन से फिर ये ऐसे बनाएंगे और इधर ऊन से फिर हमें ऐसे बनाना है। पहला इस ऊन से ऐसे उतार लेंगे और फिर पांच फंदे सीधा सीधा बनना है पूरा, वन, और उल्टी सिलाई में भी सीधे बनाने में पांच फंदे थे, चार पांच। और इसके बाद हमें एक फंदा और बुन के और ब्लू से बनाना है फ्लावर बनाने के लिए, जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनाना है। वन बुन के ऐसे कर लिया और फिर एक बुनना है, और फिर हमारी यहाँ जो वाइट ऊन रखी है येलो वाली, उसको हम यहाँ पर फिर ऐड करेंगे बीच बनाने के लिए। फिर वाइट बनाएंगे और इसके बाद फिर हम ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए हमारा बन गया है। इसी तरह से फ्लावर हम बनाते जाएंगे, यहाँ पर हम सीधा सीधे पांच फंदे बिनेंगे, पांच फंदे इधर सीधे बिनेंगे। इसी तरह से जब हमारे सेवन फ्लावर कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सेवन, उतना बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। इसमें भी जैसे यहाँ पे सेवन फ्लावर थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ वाले पिछले हिस्से से स्टार्टिंग करेंगे। जैसे हमने 12 फंदे डाल करके स्टार्टिंग की थी, वैसे यहाँ से देखिए हम 12 फंदे उठाते हैं। देखिए ये ऐसे उठा लेंगे, वन
वन और ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स वन सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये देख इलेवन ट्वेल्व, हमारे ये ट्वेल्व फंदे हो गए हैं। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, देखिए उल्टी सिलाई ऐसे वन ट्वेल्व, ये देखिए ट्वेल्व हमारे हो गए। अब हम ये क्या करेंगे, जो इधर से एक फंदा दिख रहा है, हर बार हम एक फंदा ऐसे बढ़ाते चलेंगे। देखिए एक फंदा बढ़ाया, जब तक कि हमारे 28 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक हम दोनों साइड से बढ़ाएंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, और हमें सीधी सिलाई में ही बढ़ाना है थर्टीन। और देखिए उधर हमने एक बढ़ाया था और एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, देखिए फोर्टीन हो गए। अब उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, उल्टी सिलाई पूरी हमें उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए हमारे फोर्टीन फंदे हो गए हैं। जैसे हमने पहले यहाँ से एक फंदा बढ़ाया था, ये देखिए पूरा दिख रहा है, ये हमें फिर एक ऐसे बढ़ाना है, ऐसे एक इधर बढ़ाना है। यहाँ पर हमारे 28 फंदे हो जाते हैं, तो ऐसे दोनों साइड से हमें एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। जब 28 फंदे हो जाएं, तब हम उसके बाद से ये डिज़ाइन डालेंगे वाइट फंदे लगाकर। तो इतना बना करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ तक की कंप्लीट कर लिया है, अब ने ये 29 फंदे यहाँ तक की कंप्लीट। अब हम इस सिलाई वाले जो आगे के फंदे हैं उनको भी हम इसी में मिला करके बुन लेंगे। देखिए ये भी हम इसी में बुन लेंगे। जो आगे के पार्ट वाले थे वो हमने इसी में बुन लिए हैं। अब ये देखिए उल्टी सिलाई में, देखिए ये फंदे, ये देखिए पांच फंदे इधर के बचे हैं, पांच फंदे इधर। अब हमने यहाँ से बताएंगे, पहला फंदा उतारेंगे और ये पांच फंदों को सीधा बिनेंगे, दो तीन चार, चार फंदे बिनने के बाद उन आगे करके और ये दो फंदों का एक बना देंगे और यहीं से फिर मुड़ जाएंगे। सारे फंदों को नहीं बनाएंगे, फिर ये एक फंदा बनाएंगे, उतारेंगे और चार फंदे सीधे बनेंगे। इन्हीं पांच फंदों को हमें बनाते रहना है, वहाँ तक ले जाएंगे। ये सारे फंदे घट जाएंगे यहाँ पर, यहाँ तक ऐसे ही आएंगे। देखिए पहले फंदे को उतारा और चार, दो तीन चार, चार फंदे बिनने के बाद उन आगे करेंगे और ये दो का एक करेंगे और फिर यहीं से मुड़ जाएंगे। फिर पहले फंदे को उतारेंगे और चार फंदे सीधे बनेंगे। इसी तरह से करते हुए जब तक कि ये पांच फंदे नहीं बनेंगे, यहाँ तक कि हमें ऐसे करते हुए आना, दो तीन सॉरी सीधा सीधा बनाना है।
ऐसे किया सीधा, दो तीन चार, और इसके बाद ऊन आगे करके इन दो फंदों को एक करना है। इसी तरह फंदे कम होते जा रहे हैं और यहीं से मुड़ जाना है। पहले फंदे को उतारा और सारे फंदे सीधे सीधे बनाए। फिर पहले फंदे को उतारा और चार फंदे सीधे, दो तीन चार, और उन आगे करके इसका दो का एक, यहाँ तक घटाते हुए इसी तरह से आएंगे। बस इन्हीं पांच फंदों को बुनते हुए जाना है। तीन एक चार, चार को फिर उन आगे करके और दो का एक करना है। फिर यहीं से मुड़ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, यहाँ तक ही हमको करना है। अभी एक बार और, एक दो तीन चार, और इसका दो का एक करना है। देखिए ये हमारे पांच फंदे बचे हैं और पांच ये हो गए। अब हम इन दो को ऐसे मोड़ देंगे और उसके बाद एक और स्लाइस से फंदों को एक कर देंगे और ये हमारा सॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। ये दो फंदे का एक ऐसे करते हुए घटा देंगे। जैसे कि हमेशा घटाते हैं उसी तरह से घटाते हुए चले जाएंगे और ये जुड़ जाएगा इसी तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा सॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जैसे हमने ब्लू कलर से आउटलाइन करी है वो हमने क्रोशिया से करी है। देखिए वो हम ऐसे करते हुए जाएंगे। इसका जो एक फंदा उतारा था ये चेन बन गई थी, इसी तरह से हम करते इसी के ऊपर एक एक फंदे से करते चले जाएंगे। देखिए बस ऐसे करना है, एक एक चेन में डालना है और ऐसे निकाल के ऐसे बना देना है। बस हर चेन में डालना है, बस ये जो दिख रही है चेन, ये हमें क्रोशिया से करते चले जाना है पूरा। इसी तरह से पूरा ये इसका राउंड में लगा के यहाँ तक ले आना है। ये लगा के ब्लू कलर से आउटलाइन कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।